हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बस यहाँ हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। आज है छोटी दीपावली, निकलते हैं, पहुँचते हैं अपने घर पर। पहन पाती हो? वानु नहा धोकर रेडी है दादू दादी से मिलने के लिए। हाँ, क्या बात है। दादू दादी की यहीं रहूँगी। अच्छा, पापा गए हैं अपने प्रेस के कपड़े उठाने के लिए एक शॉप पे। हम बैठे हैं टेम्पो में और जा रहे हैं दादू दादी पास, है ना। आज है छोटी दिवाली, आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलू हैप्पी दिवाली, बोलू हैप्पी दिवाली गाइस। सो फ्रेंड्स, इस बार ना हम लोग सुबह करीब 8:30 बजे निकल गए थे घर से। सोचा था शायद 12-12:30 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे अपने, तो इसी चक्कर में मैंने कुछ बनाया नहीं था। वैसे हर बार मैं बना करके ले आती हूँ, इस बार नहीं बनाया कि टाइम से पहुंच जाएंगे, बट किसी न किसी वजह से ना टाइम से नहीं पहुँच पाए। दोपहर के 3 बज गए और बहुत तेज़ भूख लग रही थी घर पर आते से ही। रास्ते में थोड़ा बहुत समोसे या हम पोहा वगैरह लेकर हमने खा लिए थे, बट इन सबसे क्या ही होता है, खाना तो खाना ही होता है ना, तो इसीलिए मैंने आके फटाफट से बनाया। एक्चुअली पापा जी का फ़ोन तो आया था कि मैं बना लूँ, बट मैंने मना कर दिया था कि नहीं, हम आकर के बना लेंगे, उन्हें क्या ही परेशान करना, वो अपने लिए बनाते हैं उतना ही काफ़ी है। सो बस इसीलिए मैं घर पर आई, फटाफट से कद्दू रखा हुआ था तो कद्दू की सब्ज़ी एक तरफ बनने के लिए रखी, आटा लगा करके मैंने बनाए पराठे और 10 से 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बन करके कंप्लीट हो गई थी। सो बस ये मेरे हस्बैंड ने खाया, मैंने खाया, वान्या को भी खिलाया। तो बस यहाँ पर मैं अपना लंच कर रही हूँ, हस्बैंड की ही प्लेट में वो खा चुके हैं। अभी ना मैं चाय बना रही हूँ और ना मार्केट जाने का सोच रहे थे हम लोग, मतलब वहाँ से ये सोच कर ही आए थे कि जाएंगे फिर मार्केट जाएंगे, क्योंकि मुझे ना राघव के लिए कपड़े लेना है। वानू के पास तो है नए कपड़े काफ़ी सारे, राघव के लेना है और भगवान जी के लिए नए कपड़े लेना है। अपने लिए भी सोच रही हूँ, खास सूट वूट ले लूँ, पतिदेव भी लेंगे कपड़े अपने लिए, मतलब सभी लोगों के लिए कपड़े लेना है नए। बट ना मार्केट में बहुत भीड़ है, अभी मम्मी का फ़ोन आया था ना, वो बता रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज बच जाओ कल सुबह चले जाना भले दीपावली के दिन, अभी बहुत ही ज़्यादा रश है मार्केट में। तो अब देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे, कल ना दीपावली का दिन है, कल बहुत सारे काम है करने के लिए, सो ये काम भी ज़रूरी था, बट देखते हैं। और अभी ना चाय बन रही है वहाँ पर, चाय छानते हैं फटाफट से। ये हमारे पति देव ने ना मस्त झल्लर भी लगा दी है यहाँ पर, झालर। दीपावली की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सामने भी सभी घरों में लग गई है, देखिए इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना।
ये हम खोल रहे हैं यहाँ पर एक बेडशीट दिवाली के लिए मंगाई है इंस्टा स्टोर से। क्या नाम था उसका पेज का? वो तो याद नहीं है मेरे पति देव को पेज का नाम क्या था, बट अच्छी लगे तो बताना आप लोग, कल हम बिछाएंगे इसको। ओपन करो जब तक मैं। बहुत ज्यादा सिकुड़ी सिकुड़ी आई है, अच्छी लग रही है। फैब्रिक भी अच्छा है, कॉटन होगा फैब्रिक तो। किंग साइज का है ना, और हाँ बेड पर वो फिक्स होने वाली इलास्टिक है इसमें कॉर्नर्स पे, अच्छा है ना। कितने का है? 650। 650 की पड़ी है ये, कल बिछाएंगे तब पूरा। पहले वाले ऑर्डर में चूना लग गया था लेकिन अब आ गया। पहले इंस्टा स्टोर से कुछ मंगाया था वो आज तक आया ही नहीं है, और ऑनलाइन पेमेंट हो गया था उसका। तो इसको इस बार कैश ऑन डिलीवरी, इसीलिए ये कैश ऑन डिलीवरी था इस बार, हमने दिमाग लगा दिया। और नीचे दादी यार, अभी यार। दादी के पास जाते हो? दादी के पास खेलते हो दादी से? दादू के पास गए थे? दादी को बोला दादी तबीयत कैसी है? पूछा आपने? कैसे पूछा? कैसे पूछा? ऐसे ऐसे पूछा? अच्छा अच्छा। ओ और फिर दादी से पूछा दादी अपने खाना खाया? ओ ऐसे पूछा? अच्छा और दादू से क्या पूछा? अरे बाप रे, दादू से ऐसे। और ये दीदी परेशान करती है? ये वानू दीदी परेशान करती है? नहीं करती, प्यार करती है? उसे कुछ नहीं बोल सकता, बहने होती है बेकार है। अच्छा वानू दीदी से डरते हो तभी कुछ नहीं बोल रहे हो? हमारे बेटे महाराज कुछ करने नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं 7-8 रोटियां सेक करके आई हूँ अभी रूम में, वो भी तब जब किसी ने इसको गोद में लिया। पता ही रोता ही रहता है बस बिना गोद के, तो गोद में रखे रहो। गोद में लेकर के भले पूरा दिन बैठे रहो तो पूरा दिन सोता रहेगा। रूम वगैरह हमारा मतलब साफ सफाई तो हम लोग जब गए थे तभी हो गई थी, करके करवा के गए थे हेल्पर बुला के, बट फिर भी सामान वगैरह काफ़ी रखा हुआ है, सब इधर उधर ऐसे ही फैला हुआ है। वो कुछ सामान हम लेकर आए हैं वो भी, तो वो सब तो सेट करना ही है। कल के लिए बहुत सारा काम हो गया, आज हम मार्केट अब जा ही नहीं पाए, रात बहुत हो गई। अभी मुझे ना अलमीरा खोल करके एक आध कोई साड़ी देखना है, मेरे पास नई रखी है क्या, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता ही है कि कोई ना कोई नई साड़ी वगैरह पहले से ही रखी होती है, कहीं से मिली होती है, मम्मी ने दी होती है, या मैंने कभी खरीदी होती है बट कभी पहनी ही नहीं होती, ऐसा होता है। वो भी देखना है मुझे, अगर नई रखी होगी तो पहनूंगी, अदरवाइज कुछ नया लाऊंगी सूट वगैरह कल ही दीपावली के लिए। अब मैं इसको ही देखती हूँ फ्रेंड्स, और बस अब इसको देखते हैं, और बस इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, कल दीपावली का ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।